अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही है। संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है और उसमें लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय डिबेट थी कि भारत का नाम भारत रखें या इंडिया रखें। कुछ लोगों ने आर्यव्रत भी कहा, आर्यव्रत कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, सब नाम चले। अंत में सहमति बनी कि नहीं, भारत और इंडिया ही ठीक है। नेहरू जी ने खुल के तो नहीं, पर नेहरू जी के पर्सपेक्टिव से जो बात वहां पर ज्यादा आई वो ये थी कि हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है, 1935 का एक्ट था, उन सब में इंडिया का इस्तेमाल था। उस समय के भारत की तरफ से जो समझौते अंतर्राष्ट्रीय थे उन सब में इंडिया नाम था। पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, सब इंडिया जानते थे। नेहरू जी का मिजाज जो था वो ये भी था कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, पूरी दुनिया से संवाद करना है, क्योंकि उनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल से इन सब वजहों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे, पर इंडिया के बराबर महत्व भारत का भी रहेगा। तो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। 4 दिन पहले की बात है, मैं हॉलैंड में एक टैक्सी में बैठा हुआ था। इंटरेस्टिंग मत सोच के देखिए, टैक्सी का ड्राइवर मोरक्को का रहने वाला था। उसको जैसे ही पता लगा मैं भारत से हूं, उसने मुझसे यही सवाल पूछा। उसने कहा, ओके यू आर फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। वी आर लिस्टिंग टू ए डिबेट इंडिया और भारत, व्हाट डू यू थिंक? मैं बड़ा चकित कि ये मोरक्को का आदमी हॉलैंड में रहता है, इसके मन में ये सवाल आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो राजनीतिक कारणों से हुआ है, लेकिन बात अपने आप में सही है। मैंने कहा, जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ, मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे तो अंग्रेजों ने नाम दिया था। कोलकाता को कलकत्ता अंग्रेजों ने किया, तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको। दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली बना के रखा हुआ है, DILLI, ये होना चाहिए। कहे कि दिल्ली भाई, हम क्यों दिल्ली बोलेंगे दिल्ली को? ये सारे तर्क अगर सही हैं, अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है क्योंकि उनकी जनता की आवाज तो म्यांमार में है, बर्मा में नहीं है। श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहे, श्रीलंका मानना चाहे, क्योंकि उनकी भाषा श्रीलंका बोलती है। तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं, मैं एक विचार की बात कर रहा हूं। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए, मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते, अगर दोनों ही लिखने थे ठीक है, दोनों रखें, क्या दिक्कत। इंटरेस्टिंग बात इसके बाद, मोरक्को के उस ड्राइवर ने उसके बाद पता है क्या कहा, हिंदी में अगर बताऊं, बोले अच्छा अच्छा ये मामला है, अब समझ में आया। फिर बोले कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारा नाम मोरक्को पड़ गया फ्रेंच लोगों की वजह से, मोरक्को के लोग मोरक्को को मगरिब बोलते हैं। और जब मैं सऊदी अरबिया गया, सऊदी अरब के लोगों ने मुझसे पूछा कहां से आए हो, मैंने कहा मोरक्को, उन्होंने इस भाव से देखा कि मैं पागल हूं, बोले नहीं मगरिब से आए हो। अगर मगरिब की आबादी खुद को मगरिब कह के खुश है तो उसे फ्रेंच लोगों की वजह से मोरक्को क्यों कहा जाए? इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। तो आज ये क्यों हुआ, मैं समझता हूं कि राजनीतिक निहितार्थ है और उस राजनीति में मेरी रुचि जरा सी भी नहीं है, लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी पहली मोहब्बत है।